हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं केशव अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पे हम स्टडी करने वाले हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और इनमें फर्क क्या है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पहले हम सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। जैसे ही अपने को कोई भी इक्वेशन दी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस मान लीजिए फाइव, हमें कोई इक्वेशन दी तो इसके हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। मतलब एक्स की हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर है मतलब दो सॉल्यूशन आएंगे, एक्स क्यूब होगा तो मतलब तीन आएंगे, एक्स की पावर फोर होगा तो फोर आएंगे सॉल्यूशन। वैसे ही यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे पावर्स नहीं है बट साइन एक्स है। जैसे साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, उसके हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते कौन से हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होंगे जिनके अंदर एक्स की जो वैल्यू है ना, अपनी एक्स की जो वैल्यू है वो किसमें लाई करेगी, जीरो से टू पाई के बीच में लाई करेगी। अब ये तो आप बात जानते हैं, जैसे कि ये अपना कार्टेशियन प्लेन है, ये पॉइंट जीरो है। अब यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, एक चक्कर काट के आया अपन, और यहाँ पे अपना क्या हो गया, कंप्लीट 360 डिग्री हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और इस साइकिल के बाद जब अपन दूसरा चक्कर काटने के लिए जाएंगे तो वही सेम जो वैल्यूज, बस एंगल बड़े हो जाएंगे हमारे, लेकिन जो हमारी वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वो रिपीट होने लगेगी। कोई नई वैल्यूज नहीं आने वाली, रिपीट होने लगेगी। जो जीरो से टू पाई के बीच में थी वही टू पाई से लेके फोर पाई अगर करते हैं अपन तो सेम ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, कि जीरो से लेके टू पाई के बीच में जो भी होंगे। अब जनरल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिपीट होने लगेंगी वैल्यूज। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाय टू। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि जैसे पहले राउंड में दो पॉइंट्स के लिए, जैसे पाई और टू पाई बाय थ्री के लिए साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाय टू आ रही है। अब हो सकता है कि सेकंड राउंड में भी तो आएगी किसी ना किसी वैल्यूज के लिए रूट थ्री बाय टू, फोर्थ राउंड में भी आएगी, फिफ्थ राउंड में भी आएगी, तो कह नहीं सकते अपन। तो जो एक ऐसी इक्वेशन दें हम जिससे कि हमें एन की वैल्यू रखते ही हम राउंड की वैल्यू रख दें कि भाई हमारा कौन सा चक्कर है, कौन सा चक्कर मार रहे हैं अपन कार्टेशियन प्लेन पे, उसकी वैल्यू रखते ही अपने को पता लग रहा है उस राउंड में कौन कौन सी वैल्यूज के लिए हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होगी। सो वो जो इक्वेशन जो हम बनाएंगे ना उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, आपको ज्यादा ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एकदम ढंग से समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 18, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। अपने को इक्वेशन दिया है साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाय टू। अब साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाय टू है। अब साइन पाई बाय थ्री के लिए रूट थ्री बाय टू आता है एक तो, ठीक है, और एक किसके लिए आ रहा है सोच के देखो थोड़ा सा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक तो इस क्वाड्रेंट में होगा, एक इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो एक टू पाई बाय थ्री के लिए आ जाएगा। तो टू पाई बाय थ्री को कैसे लिखा जा सकता है, पाई माइनस पाई बाय थ्री करके, तो ये कितना आ जाएगा साइन पाई बाय थ्री को रूट थ्री, मतलब दो वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यू क्या आ रही है रूट थ्री बाय टू। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा ढंग से क्लियर होगा। अब जैसे टेन एक्स दिया है अपने को माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अब टेन की वैल्यू देखो, यहाँ पे तो अपने सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे अपना टेन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो एक चीज, तो अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए। अब नेगेटिव साइन चाहिए तो अपना जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, एक एक्स की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और एक्स की वैल्यू एक इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, सो अब देखो टेन पाई बाय सिक्स कितना आता है अपना रूट थ्री बाय वन बाय रूट थ्री आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, लेकिन अपने को चाहिए क्या चीज, अपने को नेगेटिव चाहिए, मतलब कि पाई माइनस करेंगे अपन जब पाई बाय सिक्स में और थ्री पाई बाय टू प्लस करेंगे पाई बाय सिक्स में, टू पाई माइनस भी कर सकते हैं अपन, यहां से चाहो तो यहां से लेके आ जाओ। ठीक है, या तो यहां से पीछे लेके चले जाओ, सेम ही आंसर आएगा। वैसे यहां से यहां पे लेके चले जाओ या फिर यहां से पीछे लेके चले जाओ, अपन ना इस लाइन का क्रॉस करते हैं क्योंकि अपने क्या हो जाता है, अगर परपेंडिकुलर लाइन के अक्रॉस करते हैं वर्टिकल लाइन के अक्रॉस, तो अपना टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपन नहीं चाहते, इसीलिए अपन क्या रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस ही कन्वर्ट करेंगे। सो पाई माइनस पाई बाय सिक्स
कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, सो माइनस टेन पाई बाय सिक्स कितना आ गया, माइनस वन बाय रूट थ्री। सिमिलरली ये पाई टू पाई की पॉइंट है ये, अब यहाँ से इस क्वाड्रेंट में लेके आना है, क्या कर देंगे, टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स क्या आ जाएगा, फाइव पाई बाय सिक्स, तो कितना आ जाएगा, माइनस इलेवन बाई माइनस वन बाय रूट थ्री। तो क्या आ रहा है अपने पास, दो वैल्यूज आ गई, एक तो 5 पाई बाय 6 और एक 11 पाई बाय 6। आइडिया लगा कैसे अपनी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने को साइन देखना है कौन सा साइन है, अपने को साइन चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, ठीक है, और उसके बाद उस साइन के हिसाब से देखना होगा अपना एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, उस मान लो पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये अपने बात करी है पिछली वीडियो में, पिछले से पिछली वीडियो में, सो आप देख सकते हो जाके वहां पे। सो माइनस साइन किस में लाई कर रहा है, इन दो क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, तो उस हिसाब से अपन एंगल को शिफ्ट करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन तो अपन ने दो देख लिए, अब अपन थ्योरम की बात करते हैं, मतलब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, प्रूफ भी देखते हैं। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बोला है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई अगर मान लो दिया हुआ है हमें, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगा अपना एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई, ठीक है, ये अपने को थ्योरम है, ये अप्रूव करते आया कैसे, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई अपने लेट किया है पहले से, दिया हुआ है अपने को, तो अब इसको यहाँ पे ले जाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू जीरो। तो अब अपने को पता है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म है जीरो हो रही है, इसका क्या मतलब है, या तो इस ये वाली टर्म जीरो है या तो ये वाली टर्म जीरो है, जैसे कि अपने को याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते अपन क्या बोलते हैं, अगर अपने को दिया होता है कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो अपन क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, फिर एक्स की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो ये वाला टर्म अपना जीरो है या तो ये वाला टर्म अपना जीरो है, जिससे कि ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये जीरो हो गई। सो अगर इसको हमें जीरो करना है तो कॉस जीरो कब होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन टू लिख दिया एज इट इज, अब कॉस जीरो कब होता है, जीरो अपना वर्टिकल लाइन के अक्रॉस होता है पाई बाय टू के अक्रॉस, तो क्या लिख रहे हैं अपन, टू एन प्लस वन पाई बाय टू, और इसका क्या लिख रहे हैं अपन, एक्स माइनस वाई अपॉन टू का एन पाई, क्यों, क्योंकि साइन कब जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस। सो ये कितना आ गया, टू एन प्लस वन पाई माइनस वाई, और यहां से कितना आ गया, एक्स टू एन प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है अपना, n एक इंटीजर है, ठीक है, हेंस x इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई माइनस वन की पावर टू एन प्लस वन वाई, और मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इन दो इक्वेशंस को अभी कंबाइन नहीं किया अपन ने, सो या तो ये आ रहा है और या तो ये आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, हम दोनों ये जो रिजल्ट को कंबाइन करके एक साथ क्या लिख रहे हैं, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन होल की पावर एन वाई, अगर एन की वैल्यू वन हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, टू हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे वेरी करती रहेगी। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन किसके लिए है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई। अब आपको प्रूफ का तो आइडिया लगी है कैसे करना है, ठीक है, कॉस इसको उधर ले जाके फिर ये जो अपना फॉर्मूला है वो लगाना है, आपको आइडिया लग गया, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट थ्योरम देख लेते हैं, कॉस के लिए क्या दी हुई है, ये वाली है, ठीक है। सिमिलरली टेन के लिए अपने पास है, टेन के लिए क्या है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे हर चीज के लिए, आप पेपर में प्रूफ करते नहीं बैठ सकते। सो टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई को अपन साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, अब अपने को क्या बोला है, जनरल सोल्यूशन निकालो, साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू है, और साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू है मतलब माइनस रूट थ्री बाय टू, साइन माइनस कब होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है साइन माइनस, एक इस क्वाड्रेंट में होता है, एक बार तो देखना ही पड़ेगा अपने को, और अपने को सारे ऑपरेशंस किसके अक्रॉस परफॉर्म करने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस। तो साइन एक्स है, साइन एक्स की इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू है, तो एक्स की वैल्यू किस में आ रही है, इन दो क्वाड्रेंट्स में आ रही है, अपन फर्स्ट को ये वाला क्वाड्रेंट पकड़ लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस
रूट 3/2 कब होती है? पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री के लिए, तो क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री, पाई प्लस पाई बाय थ्री लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन 4π/3। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास, x प्लस एन पाई प्लस माइनस वन होगी पावर एन वाई था ना, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4π/3। तो यहाँ क्या लिख गया? 4π/3। काफी सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, cos 1/2। अब cos 1/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ लेते हैं अपन। तो cos 1/2 कितना होता है? cos पाई बाय थ्री पे होता है। तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, जो अपना थ्योरम में देखा था अपन ने, ये कितना हो जाएगा? पाई बाय थ्री। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय थ्री। टेन टू एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाय थ्री। तो भाई ये दिया है अपने को। ठीक है, अपन इस चीज को क्या कर रहे हैं, अपन कन्वर्ट कर रहे हैं वापस टेन में। टेन टू एक्स को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट को अपने किस में कन्वर्ट कर दिया? 10 में, वर्टिकल लाइन के अक्रॉस पाई बाय 2 लेके कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? आराम से सॉल्व हो सकता है, ये तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? साइन 2x माइनस साइन 4πx प्लस साइन 6x। अब सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, साइन 6x साइन 2x, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है अपना, ये बन गया साइन 4x कॉमन आ जाएगा, ये बचा या तो साइन 4x जीरो हो सकता है या कॉस 2x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1/2, इसलिए जीरो आ रहा है ये वाला टर्म, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फंडा। तो साइन 4x इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वल्स टू दिस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4x इक्वल्स टू एन पाई, x की वैल्यू कितनी आ गई? एन पाई बाई 4। और यहाँ से cos की वैल्यू कितनी आ गई? 2x इक्वल्स टू दिस, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये। ठीक है, सिंपल है। इससे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अपन अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द 10x। अब 10x देखो, 10x को रूट 3 दिया है, तो रूट 3 पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? इन दो क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है, तो अपने को जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक तो इस क्वाड्रेंट में लाई करवाना है, एक इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा अपना? पाई बाय थ्री पे होता है। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई प्लस पाई बाय थ्री कर देंगे। अपना क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा, तो क्या आएगा? 4π/3। सिंपल है। अब आ जाती है जनरल सॉल्यूशन की। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, क्या होता है? x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। तो यहाँ पे y क्या है? पाई बाय थ्री आंसर, सिंपल है। चलो sec x इक्वल्स टू 2 दिया है। अब sec अपना किसमें पॉजिटिव होता है, इसमें कौन सा होता है? इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और cos पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और cot, इसमें होता है अपना sec पॉजिटिव, cos और sec इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और cosec होते हैं। तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक इसमें है एक इसमें है। इन दो क्वाड्रेंट्स में अपना sec पॉजिटिव, तो sec पाई बाय थ्री क्या आता है? 2। और यहाँ पे 2π माइनस पाई बाय थ्री कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5π/3, वो भी 2 हो जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे sec को cos में, क्योंकि अपने cos 10 और sin के जनरल सॉल्यूशन पड़े हैं, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3, सिंपल। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। cot को अपन 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, cosec को अपन sin में कर लेंगे, ये हो जाएगा आराम से। अब ये क्वेश्चन में देखो कैसे है, x की वैल्यू निकालने को बोला है, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x है, तो क्या करेंगे? इस चीज को इधर ले जाएंगे। अब थ्योरम का प्रूफ समझने का फायदा क्या हुआ? क्वेश्चन को देखकर अपन क्या कर रहे हैं, जो अपने थ्योरम को याद नहीं करना है अपने को, बट उसमें तरीका यूज किया वो समझना था। अब उस तरीके को देखकर अपन क्या कर सकते हैं, cos 4 माइनस cos 2x, cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला आ गया ये वाला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ गया, साइन 3x इंटू साइन x प्लस 0, साइन 3x 0 होगा या तो साइन x 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई बाय 3, और यहाँ क्या आ जाएगी? n पाई, सिंपल है। सिमिलरली सिक्स्थ क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं आराम से। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस साइन 2x प्लस cos x। ठीक है, तो अब इसको साइन x 2x को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, 2 साइन x cos x, अब cos x कॉमन आ जाएगा
तो क्या बन जाएगा ये, अब या तो cos x 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, वही पुराने वाला फंडा अपना आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, क्या है sec 2x square 2x equals to 1 minus tan 2x। ठीक है, अब sec square 2x को अपन कैसे लिख सकते, क्या लिया हुआ है अपने को ये, अब sec square 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square 2x और 1 minus tan। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन 1 1 तो कैंसिल हो गया ये। ठीक है, अब इस tan 2x को इधर लेके आ गया, tan x 2x कॉमन आ गया एक, तो या तो tan 2x 0 है या तो tan 2x plus 1 0 है, वही पुराने वाला तरीका, आप आराम से हो जाएगा ये। नाइन्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है अपना, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, और इस तरीके से ये अपनी एक्सरसाइज और ये पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।